हम एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि 280 पोलिंग बूथ बनाए गए, पोलिंग बूथों में इजाफा किया गया कोविड-19 के चलते। कोई ऐसी तस्वीर आज दिन भर की आपने तमाम लोगों से बात की होगी, क्या कुछ कहना था लोगों का, मुख्य मुद्दा क्या था लोगों का, और किस मुद्दे के चलते लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है? देखिए वैभव, ये जो चुनाव था ये कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों द्वारा, हालांकि मुद्दों से भटकाकर, जाट और गैर जाट का चुनाव जरूर बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर जब उनकी बात टटोलने की कोशिश करी तो निश्चित तौर पर लोग ये जरूर कह रहे थे कि इससे पहले जो बरोदा हल्के में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ था, और काम ना होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डिस जरूर थी। और इसका वो जो बदला जो है, एक तरफ से ये कहा जाए कि लोग जो है अपनी जो एक लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा मतदान जो जिसको कहा जाता है, एक बड़ी जो त्योहार जो कहा जाता है, इसके द्वारा जनता जो है अपने नेता को या जो भी नेता होता है पार्टी होता है उसको जवाब देती है। और लिहाजा आज जो चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं का दर्द जो है वो सामने जरूर आया। किसी ने विकास के नाम की कहीं ना कहीं ये बात कही कि हाँ बीजेपी कार्यकाल में कहीं ना कहीं कुछ विकास राम, राम विकास का मुद्दा कुल मिलाकर सर्वोपरि रहा और सभी ने विकास के मुद्दे पर वोट किया।